सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये है राजनगर एक्सटेंशन का फ्लाईओवर, देख सकते हो। जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे वैसे ही आ जाएगा गुलडर RRTS का स्टेशन, जो बन के कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों अब उसका जो एक तो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, कम्प्लीट हो गया है। दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, उस पर अभी स्टेयर और सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं दोस्तों, और रूफ टॉप का काम किया जा रहा है। तो वो सब आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। देखो आपको बता दूं कि रूफ टॉप का तो काम कर दिया लेफ्ट हैंड वाला, तो अभी उसमें स्टेयर और उसमें क्या बोलते हैं पत्थर लगाया जाना है, उसके फिनिशिंग का काम किया जाना है। तो अभी काफ़ी काम है। और आपको बता दूँ दोस्तों कि जो ये RRTS चलाई जाएगी वो अगले महीने जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी, आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। और आपको बता दूं देखो ब्लैक टॉप भी कर दिया, DBM की लेयर का भी ये लेयर भी चढ़ा दी जा चुकी है। तो बीच में अभी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं चल के दुआही RRTS के स्टेशन के उस पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी लाइन ये जो प्रायोरिटी सेक्शन है दोस्तों वो है साहिबाबाद से लेकर और दुहाई के बीच में, जिसमें हम अभी चल रहे हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गुलडर RRTS का स्टेशन और दुहाई RRTS के स्टेशन का बीच का व्यू, कि इन स्टेशनों पर क्या क्या वर्क कंप्लीट होने के लिए अभी बचा हुआ है। तो वो आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ये परियोजना है दोस्तों, पूरी जो इसकी कॉस्ट है वो है दोस्तों 30,274 करोड़ की लागत से ये बनाई जा रही है। और ये सन 2019 में इसका इनॉग्रेशन किया गया था दोस्तों। और आपको बता दूं ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, ये दिल्ली के सरायकाले खां से स्टार्ट होता है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके इसका एंड हो जाएगा दोस्तों। तो ये और जो पार्ट है दोस्तों, जो आपको बता दूं कि सरायकाले खां से चलकर आएगी आनंद विहार, तो आनंद विहार ये सन 2025 में चलाई जाएगी, और दुहाई से लेकर मेरठ के बीच में ये भी सन 2025 में चलाई जाएगी दोस्तों। तो उससे पहले ये सन 2024 में ही काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो यही चीज़ है, तो आप लोग देखो और एंजॉय करो, ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। अब मिलते हैं चल के आगे दुहाई के स्टेशन पर आप सभी से, तो एंजॉय करो ज़्यादा से ज़्यादा।
तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो चुका है दोहाई RRTS के स्टेशन, देख सकते हो जो इसके पिलर हैं इस पर पेंट करने का काम किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि इसमें 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, 2 राइट में है 2 लेफ्ट में। तो लेफ्ट वाले हैं वो बनाए जा रहे हैं दोस्तों, राइट वाले बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जो राइट हैंड वाले हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं बनके। अब इस पर जो स्टेशन पर वर्क है वो दोस्तों प्लेटफॉर्म के अंदर उस पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, बाकी तो डेली ट्रायल किया जाता है। तो आप लोग ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बचे हुए हैं अभी इस टाइम पर दोस्तों बनाने के लिए, बाकी तो सारा काम बनके कंप्लीट ही हो चुका है, बस फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। और जो इसके पिलर हैं RRTS के, उन पिलरों पर आपको बता दूँ कि इस पर पेंट करने का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। चौथा एंट्री एग्जिट पॉइंट ये है जिस पर रूफ टॉप बनाने का काम किया जा रहा है, उसके पिलर को बनाया जा रहा है। और इसमें एक्सीलेटर भी लगा दिया जा चुका है और इसके स्टेयर भी बनाए जा रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर मशीनों द्वारा काम चल रहा है, क्योंकि ये पिलर पर पेंट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। आगे जैसे जैसे हम आगे को बढ़ेंगे वैसे इसमें आप लोगों को डबल लाइन देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर ब्लैक टॉप कर दिया जा चुका है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये DBM की लेयर की इस पर वो कर दी जा चुकी है। तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर। देखो डबल लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, जो लेफ्ट वाली लाइन है वो डिपो के अंदर जा रही है दोस्तों, और जो राइट वाली लाइन है वो सीधी मेरठ के लिए जा रही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और आपको बता दूँ कि ये हमारे NCR का ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है जिसे RRTS क्रॉस कर रही है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।